हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई नो व्लॉग्स काफ़ी लेट हो रहे हैं और डिले भी हो रहे हैं और मैं कभी कभी डाल भी नहीं पा रहा हूँ, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और जो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, लेकिन इस व्लॉग में तो बताने नहीं वाला हूँ। खैर, आज का व्लॉग शुरुआत होगी साफ़ सफाई से। पहले तो मैं बता दूँ, कल पूरा दिन मैं आगरा था। जिनको डेंगू हुआ था उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो रखी है, वो ICU में, तो कल पूरा दिन मुझे आगरा लग गया, इसलिए मैंने कोई भी व्लॉग वहाँ शूट नहीं किया, ना कोई बनाया। और अब मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ नेक्स्ट डे। कल अपनी स्विफ्ट लेके गया था मैं, और इसको मुझे आज पूरा डीप क्लीन करना है, क्योंकि चीकू और मंकू दोनों बच्चे गए थे, उन्होंने इतना खाना पीना खाया गाड़ी के अंदर कि चूहे आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे गाड़ी को अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि चूहे खाने की तलाश में गाड़ी के अंदर घुसते हैं भाई। अब चलो फटाफट से गाड़ी अपने घर के सामने लगाते हैं उधर, और देन साफ़ सफाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी को एक रात बाहर रखा है, ज़रा छत तो देखो इसकी, इतनी गंदी हो गई है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। और अंदर से दिखाता हूँ गाइस मैं भी आपको, और इसका ये मिरर तो तब से ही टूट गया, मैंने अभी तक ये पढ़वा ही नहीं पाया है। ये रही हमारी कीस, सही है गाइस। वो देखो, ये मैंने सैनिटाइजर की बोतल ले ली थी, ताकि है ना, क्योंकि हॉस्पिटल में बार बार बहुत लोग मिल रहे थे। आगरा में पुष्पांजलि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इतने ज़्यादा लोग थे कि हमने सैनिटाइजर की बोतल ले ली थी, मतलब मेरे जीजाजी ने ले ली थी, वो साथ गए थे, और पूरी गाड़ी सैनिटाइज करेंगे आज बाद में। ये मेरी शर्ट है जो कल रात में पहन के गया था, ऐसे ही छोड़ दी मैंने इसके अंदर। और ये देखो चीकू मंकू की चप्पल, उधर इतना खाने पीने का बिस्किट बिस्किट, मतलब कैसे खाया बदतमीजों ने। और देखो सीट देखो जरा। चलो हम गाड़ी को पहले आगे लगाते हैं, देन साफ करते हैं पूरी गाड़ी। ढंग से ही साफ करनी पड़ेगी ये तो गाइस गाड़ी अपने घर के सामने आ चुकी है अभी। देन एक ही प्रॉब्लम हो गई है, अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो वो नहीं निकल पाएगी, सिर्फ बाइक निकल पाएगी। चलो अभी गाड़ी कोई आ नहीं रही है, तब तक फटाफट इसको चमका देते हैं अपनी गाड़ी को। तो गाइस देख रहे हो बच्चों ने क्या क्या मतलब बदतमीजी करी है, ये सब कुछ मुझे गाड़ी के अंदर से मिला है। एक पायदान मैंने अभी निकाला नहीं है, क्योंकि उसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ड्राइवर की साइड के नीचे का, मतलब मेरी, और मैंने गंदगी करी नहीं गाड़ी में। तो ये सब देखो निकला है, वो हमारी जीजा जी की तरफ का था, देखो उस पर भी कोई गंदगी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों ने पीछे कितना आतंक मचाया। अभी देखो पायदान हटाने के बाद अंदर से गाड़ी दिखाता हूँ कितनी गंदगी हो रही है। ये पूरा पूरा मुझे साफ करना है अच्छे से, और उसके बाद आगे की तरफ देखूँ तो आगे ज़्यादा गंदा नहीं है, आगे दो लोग बैठ के गए थे तो ज़्यादा गंदा है नहीं, आगे आगे कुछ गंदा नहीं है, सिर्फ डैशबोर्ड पर कपड़ा मारना है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को और इन चीज़ों पर। तो गाइस फाइनली मैंने गाड़ी का पूरा इंटीरियर साफ कर दिया अच्छे से, अभी बस कुछ नहीं करना बाकी है, पूरी गाड़ी अंदर से अच्छे से चमक चुकी है, अब मुझे बस ऊपर ऊपर से साफ करना है। देखो ये पूरा गाड़ी क्लीन, नीट एंड क्लीन। ये जो हालत देख रहे हो ना आप लोग मेरी, ये हुई है गाड़ी साफ करने की वजह से, और गाड़ी इतनी बढ़िया साफ हो चुकी है, लुक एट दिस, मतलब मैंने पूरी गाड़ी एक नंबर से साफ कर दी है, एक नंबर तरीके से पूरी गाड़ी चमका दी गाइस। अब कुछ नहीं चाहिए, एकदम झंगी स्विफ्ट हो चुकी है हमारी। इसका मिरर कवर पड़वा दूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शीशे देख रहे हो कैसे चमक रहे हैं। टायर वायर मैंने साफ नहीं किए हैं, बस पैसे पूरी गाड़ी सीख कर दी है। चलो ठीक है, ये इतना बढ़िया है। अभी पता है मैं अंदर जाके कपड़े वपड़े चेंज करके आया हूँ, और अब मुन्ना जा चुका है यहाँ से गाड़ी लेके, गाड़ी यहीं खड़ी हुई थी। अब मुझे शेविंग करानी है और बाल कटाने, क्योंकि कल मुझे ट्रैवल करना है ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर, और मुझे बाल सेट करवाने हैं, और हो सकता है मैं कटवा भी लूँ। तो फटाफट चलते हैं नाई की दुकान पे, देन बाल कटवाएंगे और उसके बाद कुछ करेंगे। अब तो गाइस यहाँ पे अभी स्पाइडर गया था मंडी, और मंडी से लेके आया सब्ज़ी, यहाँ पे केले लेके आया, वो कच्चे केले की सब्ज़ी आई, वो अपनों खाई होगी। और ये हमारी खुत्ती की फरी, इसमें एक ये पता नहीं किस चीज़ का पत्ता आ गया है, और देन बैगन लेके आया, स्पाइडर लौकी लेके आया है, जो कि टोटल 3 लौकी हैं। अब ये सही है, एक पापा अपनी सब्ज़ी खा लेंगे, बाकी 2 के कोफ्ते बन सकते हैं। और ये मूली जो रजनी की फेवरेट है, वो ये 2 हैं, और बाकी ये आलू लेके आया स्पाइडर। मज़ा आ गया मतलब मंडी जाने का, हालांकि मैं नहीं गया था, लेकिन स्पाइडर लेके आया।
सकते हो गाइस, यहाँ पे चीकू परेशान कर रहा है अपनी मम्मी को, और यहाँ पे अभी तक खाना नहीं बना। मैं सोचा था खाना बनने के बाद बाल कटाने जाऊंगा, लेकिन ये चीकू देखो उधमी बच्चा, मतलब खाना बन गया, रोटी बन गई, चावल बन गया ना, चावल के साथ दाल खाऊंगा, चावल दाल रोटी। तो गाइस अभी जस्ट मैं बाल कटा के आ चुका हूँ, मैंने अभी अभी बाल सही कटे, मतलब काफ़ी मस्त लग रहा है, और मैं कल अब निकलने के लिए तैयार हूँ। कल तक थोड़ी बहुत शेविंग भी आ जाएगी तो वो भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और धूप देख रहे हो आज, मतलब ऐसा लग रहा है बारिश ने सूरज को धो दिया है, तो सूरज ज़्यादा चमक गया है। और यहाँ सूफी बैठी हुई है, तो गाइस सूफी को खाना रख दिया, सूफी अपना खाना खाएगी और देन हम अपना खाना खाएंगे, देखते हैं घर पर वो क्या रहा है। ओहो, अरे वाह, ये चावल वो रखे हैं, अरे वाह, ये भी चावल, दाल, ठीक है रोटी नहीं है, दाल चावल है, दो तरह के चावल है, कैसे भी खा सकते हैं। तो गाइस हम लोगों ने खाना रख लिया, चीकू ने तो खाना स्टार्ट भी कर दिया है खाना। चीकू कैसा है, अच्छा है, अच्छा है, कोई कोई, अच्छा। तो गाइस यहाँ पे आज हमारे पास चावल, और ये थोड़े फ्राइड चावल हैं, और ये नॉर्मल चावल है जो दाल के साथ खाए जाएंगे, और फटाफट खाना ख़त्म करते हैं। गाइस अभी शाम हो रखी है, बाल कटाने के बाद मैं सीधे नहाने के लिए चला गया था, और पानी नहीं छुएगा, अभी मैं बताऊंगा पीछे क्या चल रहा है। एक्चुअली जब ये रोड बनी थी तो मैंने बताया था नाली के ऊपर रखने के लिए हमको कुछ बनवाना था, तो हमने एक जाल बनवाया था, अभी उसके ऊपर हमको प्राइमर करना है, ठीक है। तो प्राइमर मुन्ना करेगा, अभी प्राइमर लेके आए मैं और वो, और यार शाम को आज खाने का प्लान ये है कि देखो नवरात्रि आने वाले हैं, और उससे पहले एक बार अंडे खाने का मन है, तो हम अंडे घर पे बनाएंगे और बाहर से रोटी लेके आएंगे, और मैं कोशिश करूँगा वहाँ का शूट कर सकूँ कि रोटी कैसे बनती है यार, बहुत ही बड़ी रोटी होती है, बहुत मस्त, तो वो भी आपको दिखाऊँगा। और फिलहाल तो पहले ये जाल लगवाते हैं, ठीक है। नहाने के बाद खाना खा के मैं तो सीधे ऊपर चला गया था यार, कंप्यूटर पर थोड़ा बहुत ब्लॉग वगैरह, मतलब कंप्यूटर पर थोड़ा मैंने आर्टिकल एक पोस्ट किया, देन उसके बाद सीधे प्राइमर का काम। तो गाइस ये है वो प्राइमर का डिब्बा जो हमको मिला अभी मार्केट से, इसकी कॉस्ट 65 की थी, लेकिन ये 50 रुपीज़ का हमको पड़ा है। अभी ये प्राइमर हमको पूरा इस पर करना है, देखो अभी ये केवल लगे हुए 7-8 दिन ही हुए हैं, और इस पर जंग भी आ गई है, इस पर इसलिए प्राइमर करेंगे अच्छे से रेगमाल मारने के बाद, देन सब कुछ अच्छा लगेगा यहाँ पे। और ये पानी जो है आज नहीं चलाना है बिल्कुल भी, हालांकि नीचे तो नहीं चला हुआ है, ये इतना गीला हो रखा है बस। चीकू को देखो भाई, चीकू कितना मज़े दे रहा नाली देख के। अब यहाँ पे फटाफट हम लोग इस पर प्राइमर ख़त्म करते हैं थोड़ी देर में, हालांकि इसमें टाइम लगने वाला है थोड़ा। तो गाइस यहाँ पे मुन्ना अपने ग्लव्स पहन रहा है, डॉक्टर वाले मतलब ये पेंट करने के लिए ग्लव्स पहने जा रहे हैं ताकि हाथ खराब ना हो। एक ही तक मानने हैं, दूसरा को मानने हैं आप, जल्दी जल्दी कर दो। तो गाइस पे प्राइमर अभी हो चुका है, ऊपर का पूरा प्राइमर कर दिया अच्छे से। अभी जो है इसको हम ऐसे सूखने देंगे, दोनों बाइक अपनी बाहर खड़ी हुई है, एक ही अपनी बाइक और ये अपनी स्कूटी, और तीसरी अपनी बाइक पहले से अंदर है। तो वो डिब्बा प्राइमर का खाली है, इसको फेंक देता हूँ। गाइस काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी हमको जाना है अंडे देने के लिए, तो हम जाएंगे फटाफट अंडे देने, और तब तक ये लोग घर पर बनाएंगे, मुन्ना अंडे लेके वापस आएगा, ये लोग बनाएंगे और मैं अब जाऊँगा रोटी लेने के लिए सीधे। चिकू बाय कर दो, चिकू बाय, चिकू बाय, चिकू बाय।
टाइम में कम हो। अभी रात के बज रहे हैं 11 और खाना पीना खा के हम लोग बिल्कुल मतलब सेट हैं भाई। अंडे एक नंबर बने थे, रोटी एक नंबर थी, मज़ा आ गया। और कल मुझे निकलना है मैनपुरी के लिए, तो कल मुझे काफ़ी लॉन्ग ड्राइव करनी है। गाड़ी अपनी बाहर रेडी है बिल्कुल, अभी फटाफट सोने का टाइम है। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब तो ब्लॉग रेगुलर आएंगे क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल गाँव में। अलविदा।